जिला मुख्यालय स्थित गांधी भवन में प्रदेश के आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री नितिन अग्रवाल ने जिले के तमाम जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार लगातार जरूरतमंदों की सहायता के लिए लगी हुई है। सरकार ने एक साल के लिए मुफ्त अनाज योजना आगे बढ़ा दी है। श्री अग्रवाल ने कहा कि सरकार चाहती है कि प्रत्येक योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों को अवश्य मिले। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि सांसद जयप्रकाश मौजूद रहे। सांसद ने अपने उद्बोधन में कहा कि सरकार प्रत्येक वर्ग के हित के लिए लगी हुई है, चाहे वह किसानों की किसान सम्मान निधि हो, चाहे वह सामूहिक शादी विवाह हो, सभी वर्गों के हित के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। जरूरतमंदों को ठंड से बचाने के लिए सरकार ने जहां कंबलों की व्यवस्था की गई है, वहीं रैन बसेरे जगह जगह बनाए गए हैं। अलाव की भी व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती, भाजपा नेता प्रदीप वर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष सुख सागर मिश्र मधुर, भाजपा जिला अध्यक्ष सौरभ मिश्रा ने भी जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। कार्यक्रम के आयोजन उप जिलाधिकारी सदर स्वाति शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 800 पात्र लोगों को कंबल का वितरण किया गया। इस मौके पर नगर मजिस्ट्रेट सद्दानंद गुप्ता, तहसीलदार प्रतीत त्रिपाठी, पूर्व प्रमुख धर्मवीर सिंह पन्ने, युवा भाजपा नेता आकाश सिंह, पूर्व प्रधान संजय सिंह, सभासद अमित त्रिवेदी रानू सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर व गांव के लाभार्थियों की सूची बना के उन्हें बुलवाया गया, जो भी नीडी लोग हैं, और लगभग 800 कंबल बांटे गए। सभी लोग लेकर प्रशासन द्वारा कंबल वितरण का आयोजन हुआ है, जिसमें शहर के और ग्रामीण क्षेत्र के जो पात्र लोग हैं, और खासतौर से मैं देखा, मैंने महिलाओं को काफी बड़ी संख्या में, वृद्ध महिलाओं को काफी बड़ी संख्या में कंबल वितरण करने का कष्ट करें। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाकई पात्र लोगों को चयन करके इस योजना से जोड़ने का काम किया है। और ये हर वर्ष ठंड के समय ऐसी वितरण किया जाता है, और मुझे उम्मीद है कि जो आज इनको मिल रहा है, उसके अलावा अगर कोई ऐसा पात्र है जो रह जाता है, उसके लिए भी शीघ्र अतिशीघ्र व्यवस्था करा दी जाए, जिससे सभी पात्रों को इससे जोड़ दिया। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट।